रावण की विद्वता सभी जानते कि रावण एक उद्भट विद्वान था। मृत्यु का कारण उसका घमंड रहा, एक अलग विषय है, किंतु बहुत ही बड़ा विद्वान सौर्य प्रतापी था और उसकी विद्वता के कारण वो हमेशा पूजा जाता भी रहा। मरते समय यानी अपनी प्राण त्यागते समय कुछ ऐसी बातें रावण बोल कर गया जो आज के लोगों के लिए स्मरणीय है, अनुकरणीय है और वो बिल्कुल उसे अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार की बातें बोल कर गई। चार बातें हैं सर्वप्रथम, और ये बातें स्त्री जाति के लिए आज जो चर्चा हो रही है स्त्री से संबंधित बातों को जानना। सबसे पहले मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। एक स्त्री जाति एक माँ है, एक बहन है, एक बेटी है, वो मातृशक्ति है, वो हमेशा पूजनीय है, आदरणीय है, वो प्रतिमूर्ति है प्रेम की, सहानुभूति की, करुणा की। किंतु भगवान जो प्रकृति बनाए हैं स्त्री का, उसकी चर्चा यहाँ हो रही है। उसमें कोई उनका कोई मान कम ना हो, उन्हें नमन करते हुए इसकी चर्चा करता हूँ। सर्वप्रथम नंबर वन याद रखेंगे, वह लालची प्रकृति की होती हैं। उन्हें लोभ लालच अवश्य आएगा और लालच के कारण वह स्वयं कहीं न फंस जाए या किसी को फंसा भी दे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जो लालच है, जो लोभ है, उसे प्राप्त करने के लिए स्वयं भी फंस जाए या किसी को फंसा भी सकती है, यह भी बहुत ये है। दूसरी बात, मिथ्या झूठ बोलती हैं वो। झूठ बोलना भी इनका प्रकृति है और झूठ बोलने के कारण कभी अपने बात से भी पलट गई और किसी को, सबसे पहली बात कि वो इधर की बातें उधर करती हैं, एक झूठ के कारण कई झूठ बोलना पड़ता है और इसका परिणाम यह होता है कि कभी कभी अपने लोगों के साथ जिससे झूठ बोली, बात इधर से उधर हुई, ये बात विवाद में बदल जाता है, कोर्ट कचहरी मारपीट तक की नौबत आ सकती है, आती है, जो आज प्रायः देखने को मिलता है। तो वो मिथ्या वचन भी करती हैं, झूठ बोलती हैं, बात से पलट सकती हैं, लालची हैं। तीसरी बात, उनके पेट पे कोई भी राज गुप्त नहीं रह सकता, किसी बात को पचा के नहीं रख सकती, राज का राज नहीं रहने देंगे वो, कहीं ना कहीं वो उस बात को उद्घाटन कर देंगी, गुप्त रखेंगी नहीं, वो बोल देंगे और इसीलिए बहुत गुप्त बातें इनसे ना भी कभी साझा की जाए, इस बात को भी स्मरण रखना चाहिए। जैसा रावण ने बताया मैं उसी बात को बता रहा हूँ। बड़ी जल्दी किसी के बहकावे में आ जाती हैं, यह भी एक उनका एक प्रकृति है जो आज के लिए अच्छी नहीं है, तो बहकावे में आना, जिसके कारण वो जाल में कभी किसी की बहुत जल्दी फंस सकती हैं, फंस जाती हैं या किसी को फंसा भी दे, ये भी आश्चर्य नहीं, स्वयं भी फंस जाए या किसी को फंसा दे, ऐसी स्थिति भी बन जाती है, बनती है। और अंतिम बात, क्रोध इनका है, अपने क्रोध के कारण सामने वाले को नहीं छोड़ सकती, वो अपना अत्यंत प्रिय, अपना पति भी क्यों ना हो, क्रोध के कारण किसी का भी अहित कर सकती हैं। ये चार बातें हैं जो रावण ने बताया। निर्णय आपको करना है, उनका सम्मान में कहीं कमी ना हो, उन्हें बारंबार नमन करते हुए उनके प्रकृति की चर्चा की, उनका मान ना कम हो, लेकिन जो सावधानियां की जा सकती हैं वो करनी चाहिए, बाकी उन्हें सम्मान अवश्य मिलते रहनी चाहिए, उन्हें फिर नमन। रावण को भी सम्मान व्यक्त करता हूँ इस ज्ञान के लिए। श्री राम के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए जय जय श्री राम।